यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। सिर्फ 10 मिनट बाकी। पापा, इस वक्त सब ठीक तो है? और नहीं तो क्या, मैं भी ठीक हूँ और सब भी ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब तुम लोगों को, पापा सॉरी मैंने उठा दिया, लेकिन सूरज उगने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है, इसे जल्दी लैब में चलो चलो चलो। हाँ पापा, चलो। आज सब ठीक होना चाहिए। फॉर्मेशन में जो कमियां थी वो सब दूर कर दी। आज मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। वाह पापा, ये सब क्या है? मेरे सालों की मेहनत, एक कोशिश, क्योंकि धूप जिंदगी देती है, लाइट गिव्स लाइफ, और मुझे लगता है कि मैंने फाइनली आइनों के जरिए लाइट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके उसे मल्टीप्लाई करने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया। कुदरत में भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन मौजूद है, पर हम लोग उसे देख नहीं पाते, इसलिए मेरा ये खास पेन, जो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस पेन के आसपास कहीं भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन हो तो ये पेन एक्टिवेट हो जाएगा और बीप करने लगेगा, और फिर ये सारी किरणों को समेट के उन्हें मल्टीप्लाई करके एक सब्जेक्ट पर डालेगा, और फिर हम देख सकेंगे कि कैसे धूप जिंदगी देती। मतलब सूरज की किरणें इस मरे हुए प्लांट में जान डालेगी? ये कैसे हो सकता है पापा? और नहीं तो क्या, होएगा, बिल्कुल होएगा। फिंगर्स क्रॉस करो, करो क्रॉस करो। पापा, सूरज। एक्टिवेट हो गया, मतलब सारे आने के प्लेसमेंट एकदम सही है, फॉर्मेशन एकदम राइट है। एनर्जी का पावर बहुत ज्यादा है, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक ऐसा फिल्टर बनाना पड़ेगा जो उतनी रोशनी पास होने दे जितनी जरूरी है, और बाकी एनर्जी खुद अब्सॉर्ब कर ले। मतलब फिल्टर विद अ ब्रेन पापा? करेक्ट, दिमाग वाला फिल्टर बना लूंगा, फिर देखना मेरा एक्सपेरिमेंट सोलर एनर्जी की दशा एकदम बदल देगा। अब चलो, ऑफिस भी तो जाना है। चलो चलो।